पापड़ आप कैसे खाते हैं, या तो फ्राई करके या फिर रोस्ट करके, लेकिन आज पानी में भिगोकर पापड़ को पनीर के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार करारी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। यहाँ पे लिए हमने 2 हरी मिर्च और 2 प्याज, इन दोनों को रफली काट लेंगे। यहाँ पे अगर आप हरी मिर्च में से तीखा कम करना चाहते हैं तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डालनी ज़रूरी है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं थोड़ा तीखा कम कर देता हूँ इसके बीज निकाल के। मिर्च का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी स्पाइसनेस वैसे वैसे कम होती जाती है। 2 प्याज हैं, इसका जो वाइट पार्ट है इसको रिमूव करते हैं सबसे पहले यहाँ से, और रफली स्लाइस ले लेंगे। हल्की सी मोटी रखनी है, बारीक नहीं रखनी है। यहाँ पे लिए हमने एक पैन, और पैन में डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल यहाँ पर गर्म हो गया तो सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 1/2 कप से भी कम यहाँ पर पीनट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कच्चे वाले पीनट हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम रखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे जो मसाले हैं वो पॉपअप नहीं हुए, जलेंगे नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे जो पीनट है इसको भी भूनना है। मूंगफली हो या कोई ड्राई नट्स हो, हमेशा लो फ्लेम पे ही भूना जाता है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो क्या होगा कि बाहर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। मूंगफली के साथ साथ यहाँ पे लहसुन भी ऐड कर देते हैं, 10-12 लहसुन की कलियाँ हैं, ये भी लो फ्लेम पे फ्राई होती रहेंगी। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे ये देखना है कि पीनट पका है नहीं पका है, बाकी चीज़ें बाद में भी पकती रहेंगी लेकिन पीनट का पकना पहले ज़रूरी है, क्योंकि हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, और प्याज डालने के बाद में पीनट का पकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो फ्राइंग प्रोसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्की हल्की सी एक दरार सी पड़ने लग गई है, और चट 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 एक आवाज़ भी आ रही है, इसका मतलब कि पीनट हमारा पक चुका है। यहीं पर डाल देंगे ऑनियन, यहीं पर ऐड कर देंगे ग्रीन चिली, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब 10-12 काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको सौते करेंगे, गैस की फ्लेम को आप हाई कर सकते हो यहाँ पे। यहीं पे हम अदरक ऐड कर देंगे, थोड़ा छोटा छोटा काट लिया मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसको भूनना है बढ़िया सा, ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, प्याज को हल्का सा कुक करना है हमको, प्याज की जो कच्ची स्मेल होती है वो निकालनी है बस। और यहाँ पे देखिए प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसके अंदर प्याज के अंदर भी। ये गया स्वाद अनुसार नमक, चटनी में एक बढ़िया सा कलर आ जाए इसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च स्पाइसी नहीं होती ज़्यादा, बढ़िया सा कलर आ जाता है, खुशबू अच्छी आती है। स्पाइसी करने के लिए हमने हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो ये मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो गया है, अब ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, इसमें धनिया भी तो डालना है। धनिया डालेंगे श्रद्धा अनुसार डंठल के साथ में, अच्छी मात्रा में धनिया डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। मिक्स यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल के इसको पीस लेंगे। 2-3 बड़े चम्मच पानी डालिए इसके अंदर, क्योंकि इसमें पीनट है तो पीनट को पानी चाहिए, तभी तो पीसेगा सेटिंग से। खट्टा करने के लिए और टैंगीनेस के लिए हम यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मीडियम साइज का लेमन जूस काफ़ी रहेगा, बाकी इसको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब एक बढ़िया सा पेस्ट इसका रेडी कर देंगे हम। तो चलिए चटनी देख लेते हैं यहाँ पे कैसी बनी। वाह, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है, हल्का सा दरदरा मैंने रखा है, आप चाहें तो बिल्कुल फाइन पेस्ट भी पीस सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी चटनी बनी है। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं स्टोर करके कम से कम 7 दिन के लिए, क्योंकि पूरी तरह से पकी हुई चटनी है, कच्ची चटनी नहीं है, किसी तरह की स्मेल इसमें नहीं आएगी। फ्रिज में रखिए 7 दिन तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये चटनी अभी अधूरी है, इसमें छोटा सा तड़का जरूर लगेगा। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 1/2 बड़ा चम्मच तेल का होना चाहिए। चटनी के ऊपर जब भी तड़का लगाया जाता है तेल का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। तेल जब गर्म हो जाए तो उसके बाद में 1 सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल देते हैं यहाँ पर। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए, तड़का बहुत जल्दी जल जाता है, हल्का सा जब कलर छोड़े उसके बाद में सरसों के कुछ दाने 1/2 छोटी चम्मच, पॉपअप होने दीजिए उनको, ये करी पत्ता लगभग 10-12, 1/2 छोटी चम्मच हींग, और ये लीजिए तड़का रेडी हो गया बस। अब फटाफट से चटनी के ऊपर जाएगा, चटनी हमारी पहले से रेडी है और ये तड़का गया उसके ऊपर, चटनी के स्वाद को दुगना कर देता है। यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, पनीर की मोटी मोटी ब्लॉक्स काट लेंगे इस तरह से। पनीर कभी भी आप इस्तेमाल करते हैं या तो किसी पैकेट अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें जो भी आपके लोकल में अवेलेबल हो, या फिर आप घर पे बनाएं। जो ओपन और खुला पनीर मिलता है वो थोड़ा डाउटफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें मिलावट का खतरा होता है, पनीर में खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इसको मैरिनेट करना होगा। तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल, ये कच्चा सरसों का तेल है, अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है कच्चा तो आप नॉर्मल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में जाएगा 1 मीडियम साइज का ऑनियन लेकिन फाइन चॉप, 1 हरी मिर्च, ये गया थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक पनीर के हिसाब से, और काली मिर्च। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए हैं क्योंकि चटनी हमने बनाई है, चटनी के साथ इसको सर्व किया जाएगा।
ये जो मैरिनेशन है ये बिल्कुल अलग तरह का मैरिनेशन है, और अब पनीर को इसके साथ में मिक्स कर देंगे हम। यहाँ पे अनियन वाला यहाँ पे मैरिनेशन हमने कर लिया है, अब इसको रखते हैं साइड में। एक बड़ा चम्मच यहाँ पे बेसन लिया है और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। ये बना रहे हैं हम बैटर, गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार करेंगे इसको। एक गाढ़ा पेस्ट ग्लू टाइप का बना लिया हमने इसको, जिससे रोल आसानी से चिपक जाए। ये लिया हमने एक पापड़। पापड़ कौन सा होना चाहिए? पापड़ मूंग दाल उड़द वाला होना चाहिए। मूंग उड़द वाला पापड़ सबसे बेस्ट होता है, बहुत अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है। जैसे ही पैकेट से निकालें तुरंत इसको यूज़ करना है, क्योंकि ड्राई हो जाता है। यहाँ पे लिए एक प्लेट, प्लेट में डाल रहे हैं हम थोड़ा सा पानी। ये गया पानी। पानी इतना डालना है कि पापड़ अगर इसमें डालूँ तो पूरी तरह से भीग जाए। ये हल्का सा टेक्निकल काम है लेकिन है आसान। जैसे ही आपने पानी में डाला तुरंत उसको निकाल दीजिए, बस भीग जाना चाहिए अच्छी तरह से। यहाँ पे एक मैंने कपड़ा ले लिया है, कपड़े के ऊपर इसको रख देंगे ऐसे करके। कपड़े में इसलिए रख रहे हैं जिसकी वजह से ऊपर की तरफ से आपको पानी दिख रहा है ना, वो हट जाएगा। जो पनीर की स्टफिंग हमने करी थी वो यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा प्याज भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। मसालों का इस्तेमाल हमने ज़्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि पापड़ के अंदर खुद के भी अपने मसाले होते हैं। अब जैसे फोल्ड करते हैं हम रोल को, उसी तरह से फोल्ड करेंगे इसको। एक लेयर उठा के यहाँ रखी और दूसरी लेयर उठा के यहाँ पे रखी, और अब इसको रोल करेंगे। अब जैसे यहाँ से फट रहा है कोई दिक्कत नहीं, आगे से वो कवर कर लेगा। इसको चिपकाने के लिए, खुले नहीं, इसके लिए बैटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बेसन का बैटर हमने तैयार किया था वो लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इतना लगाना है कि बस चिपक जाए। और टाइट इसको बांधना है जिससे खुले नहीं। अगर आपने यहाँ पे टाइट नहीं किया तो ये ऑयल में फ्राई करते टाइम खुल जाएंगे। ये देखिए ये हो गया पैक अच्छी तरह से। और ये जो नीचे इसका जॉइंट है इसको नीचे की तरफ रखना है। ऐसे रखने से क्या होगा, ये अच्छी तरह से जॉइंट हो जाएगा। पापड़ के सारे रोल यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इनको क्लीन रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं, नेक्स्ट डे मतलब 12 घंटे या 16 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होंगे, मतलब एक पार्टी स्नैक आप कह सकते हैं इसको। जब भी पापड़ रोल फ्राई किया जाता है हमेशा ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये देखिए अच्छी तरह से टाइट है बिल्कुल, और यहाँ पे ये जुड़ भी गया है तो ये खुलने का कोई सवाल ही नहीं है। ये गया पापड़ रोल, मुश्किल से पकने में लगता है इसको 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर ही ये रेडी हो जाता है, पकने वाली कोई चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। पापड़ है और पनीर है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और पापड़ रोल रेडी। चलिए इसको निकाल लेते हैं, पेपर में रख देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल पेपर में चला जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन पनीर स्टिक पापड़ रोल यहाँ पर रेडी हो गया है। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बहुत ही गजब का बनता है। और ये चटनी ज़रूर ट्राई करना इसके साथ में, इसका मज़ा दुगना कर देगी।